स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच चल रहा घमासान अब थमता हुआ नजर आ रहा है। टकराव खत्म हो गया है, कल मिलेंगे। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में एक तरीके से सुलह हो गया है, इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे। विपक्षी एकता कहाँ जा रही है और कितनी मजबूत होगी, कहाँ कहाँ मजबूत होगी। कुछ राज्य हैं दिल्ली, जहाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बहुत मजबूत पकड़ है, वहाँ पे विपक्षी एकता को बहुत फायदा होने वाला है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जैसे गोवा है, मध्य प्रदेश है और गुजरात में भी अच्छा खासा उनको सपोर्ट मिला था। हालांकि बेंगलोर और महाराष्ट्र में भी उनकी पहुँच है, पर वहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं। पर आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल अगर पूरे देश में दौरा करके चुनाव प्रचार करेंगे विपक्षी एकता के खिलाफ, तो बहुत असर पड़ने वाला है। इसी सब पे बात करेंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यूट्यूब पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो इस पे बात करेंगे दोस्तों, टकराव खत्म हो गया है क्या, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ बैठ के बात करेंगे, अब ये तय हो गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस का साथ मिल गया है। दोस्तों दिल्ली सरकार काफ़ी परेशान है, वहाँ पे उपराज्यपाल उन्हें एक तरीके से काम नहीं करने देना चाहती है और लगभग उनके हर फैसले को पर अड़ंगा डालती है। उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ से उन्हें राहत जरूर मिली थी, पर केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश के जरिए उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। तब से ही केजरीवाल सारी विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश कर रहे थे, जहां कांग्रेस उनके साथ नहीं आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस उनके साथ आ गई है। ये ऑर्डिनेंस जो केंद्र सरकार लेके आई है उसके खिलाफ अब सारे विपक्षी पार्टी एकजुट होने वाले हैं। तो इस पे अब सहमति बनती नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल भी अब विपक्षी एकता में पूरे मन से अब शामिल होंगे। बेंगलोर में होने वाला जो मीटिंग है उसमें अब ये शामिल होंगे। सोनिया गांधी ने केजरीवाल को पत्र लिखा था 12 जुलाई को, सोनिया ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद से ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा और अब शांति की ओर जा रहा है। तो दोस्तों विपक्षी एकता की मीटिंग एक दिन पहले फैसला अब हो गया है, अब आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल होगी। 17-18 जुलाई को होने वाला विपक्षी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी, यह फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में रविवार को पार्टी की पॉलिटिक्स अफेयर कमेटी की मीटिंग में लिया गया। इस फैसले के साथ ही बैठक पर बना सस्पेंस खत्म हो गया है। केजरीवाल शाम को ही बेंगलुरु पहुंच जाएंगे, वह रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। तो दोस्तों अब ये मामला सुलटता नजर आ रहा है, जिससे कि अब विपक्षी एकता को काफ़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि विपक्षी एकता एक तरीके से महाराष्ट्र में काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। उसके बाद अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी विपक्षी एकता बहुत मजबूत नज़र आती है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी का साथ मिला तो विपक्षी एकता बहुत स्ट्रांग है। पंजाब में बीजेपी का प्रेजेंस बहुत कम है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ती है तो सारी सीटें जीत सकती है। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी एकता का बहुत अच्छा एक तरीके से समन्वय लग रहा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, उसमें बहुत मजबूत होती नज़र आ रही है, क्योंकि नीतीश और केजरीवाल और फिर अगर अखिलेश कुमार यादव, ये सारे दल एक साथ हो जाते हैं यूपी में भी, तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो अब देखते हैं क्या होता है अगर केजरीवाल बेंगलुरु की मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पर गठबंधन हो जाता है और कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग करती है राज्यसभा में, तो ये ऑर्डिनेंस वहाँ गिर सकता है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार चलाने में मजबूती मिलेगी। और उसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी नेक्स्ट ईयर अगर लोकसभा चुनाव जीतती है विपक्षी एकता पार्टी, तो वहाँ पे जाके केजरीवाल को एक अहम पद भी मिल सकता है और आने वाले समय में नेशनल पॉलिटिक्स में केजरीवाल की धमक और बढ़ सकती है। और आम आदमी पार्टी का पहुँच धीरे धीरे पूरे नेशनल पार्टी की भी हो गई है, उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिल गया है गुजरात चुनाव के बाद। तो आने वाले समय में केजरीवाल एक बड़े नेता के तौर पर उभर भी सकते हैं। तो देखते हैं जो भी आने वाले बेंगलोर का जो मीटिंग है उसके बाद जो भी अपडेट आएगा दोस्तों, जरूर लेके आएंगे। चैनल पर हमारे साथ बने रहिए आप। अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। आप लोगों का क्या कहना विपक्षी एकता पर, केजरीवाल और
एक तरीके से कांग्रेस जो एक साथ आ रही है उस पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।